भारत के एक प्लेन के थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने से हड़कंप मच गया। श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भरने वाली ये फ्लाइट पाकिस्तानी एयर स्पेस में जा पहुंची, जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। दरअसल खराब मौसम के चलते इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट को कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाना पड़ा। इंडिगो की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। इंडिगो की तरफ से बताया गया है कि प्लेन थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, जिसके बाद उसे अमृतसर की तरफ मोड़ दिया गया। इंडिगो के मुताबिक ये विमान श्रीनगर से जम्मू के लिए जा रही थी, तभी मौसम खराब होने के चलते उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट के उड़ान भरने के 28 मिनट बाद मौसम खराब होने की वजह से जम्मू कश्मीर के कोट जयमाल के रास्ते फ्लाइट को पाकिस्तान एयर स्पेस से ले जाया गया। फ्लाइट के पायलट के मुताबिक मौसम इतना खराब हो गया था कि उसे थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसना पड़ा। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद फ्लाइट वापस भारतीय एयर स्पेस में लौट आई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इंडिगो के एक अधिकारी ने इसे लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पायलट की तरफ से इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी। पायलट ने अधिकारियों को खराब मौसम की जानकारी दी और कहा कि मजबूरी में उसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसना पड़ रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने इसकी इजाजत दे दी। इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि इस पूरे रूट डायवर्जन को लाहौर और जम्मू ATC की तरफ से अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया गया। इसके बाद फ्लाइट को अमृतसर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। ऐसी ही घटना करीब एक महीने पहले भी देखने को मिली थी, जब इंडिगो की ही एक फ्लाइट खराब मौसम के चलते पाकिस्तानी एयर स्पेस में चली गई थी। ये फ्लाइट अमृतसर से अहमदाबाद जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट को अटारी के ऊपर से पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी ATC के साथ संपर्क किया गया और इसकी जानकारी दी गई। आखिरकार फ्लाइट अहमदाबाद में लैंड हुई। अब एक बार फिर से पाकिस्तानी एयर स्पेस में भारतीय प्लेन के घुसने से हड़कंप मच गया है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।